लोग चेक कर पा रहे होंगे, आगे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें आग लगी हुई है अभी सामने, और कुछ आर्मी के जवान सामने भी खड़े हुए हैं। और हम लोगों ने लिया है एक सूजी का प्रसाद, और हम सूजी का प्रसाद तो गाइस फाइनली चल रही है केदारनाथ में आरती, और यहाँ पे बाबा जी लगे हुए हैं केदारनाथ जाने में। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और भाई के ब्लॉग्स देख रहे होंगे। सो हमारे साथ में आज वासु भाई, हम लोग साथ में ट्रैक कर रहे हैं केदारनाथ का, और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं केदार घाटी में। और अभी हम लोग एक घोड़ा पड़ाव, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर सारे खच्चर और घोड़े जो भी हैं यहाँ पर आके स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ से आगे यात्रियों को पैदल खुद जाना पड़ता है। सो अभी हम लोगों का प्लान बना कुछ नाश्ता कर लेते हैं, स्नैक्स का टाइम हो चुका है, चाय मक्खन और बंद मक्खन और चाय खाते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग चालू करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं यहाँ से आगे। बाकी यहाँ के जितने रेस्टोरेंट सब में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, यहाँ पर खाली मिलेगा वहाँ पर जाकर करते हैं नाश्ता, मिलता हूँ आप लोगों से आगे। बहुत सांस फूल रहा है यार। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए, और वासु भाई इंजॉय कर रहे हैं नाश्ता, हम लोगों ने आधा पराठा खा लिया है। सो पराठे पराठे खाते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से आगे। और अभी हम लोगों ने चाय ऑर्डर करी हुई है, चाय अभी आई नहीं है, चाय पीते हैं। साथ में मैं कुछ क्रीम रोल का पैकेट लेके आया था, तो ये लास्ट के बच्चे में दो क्रीम रोल, ये भी एक खत्म करके जाएंगे। और मौसम चेक करें गाइस, मौसम तो खुल चुका है और धूप भी आ गई उस तरफ को, तो और कितनी हो रही है। तो निकलते हैं यहाँ से आगे और मिलते हैं आप लोगों को तरी। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं केदार वैली में, और सामने केदारनाथ दिख रहा है, और उसके ऊपर देखिए बर्फ से गिरे पहाड़ के मस्त लग रहे हैं। और इधर है सामने हेलीपैड, जहाँ पर कि सारे जितने हेली आ रहे हैं सब लोग वहीं पर रुका करते हैं, और क्या मस्त भी आ रहा है। केदारनाथ का अभी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो इधर साथ में दिखा दे रहा है, मैं पास में जाता हूँ और फिर दर्शन कराता हूँ आपको। और मात्र 1 किलोमीटर है यहाँ से श्री केदारनाथ धाम, 1 किलोमीटर बचा है वो चलते हैं, और बस मिलते हैं आप लोगों से उधर ही। बाकी सारे गैंग पहुँच चुके हैं, 2 लोग पीछे हैं बस। केदारनाथ के मेन एंट्रेंस पर, और यहाँ पे एक ये दर्शन टोकन है, यहाँ पे VIP टिकट मिलते हैं जाने के लिए, तो हम लोग कभी कोई VIP टिकट नहीं ले रहे, हम लोग नॉर्मल दर्शन करेंगे हो पाए तो, जैसा भी होगा। और सामने बाबा दिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहीं पे जाके दिखाता हूँ हम लोगों को। तो गाइस फाइनली हमारे क्रू के कुछ मेंबर हमको मिल चुके हैं, साथ में लक्की। लक्की कैसा रहा आज का सफ़र? बहुत बढ़िया। हार मान ली थी? नहीं मानी तो ठीक हो गया। और लक्की पूरा सफ़र कर लिया था, करीब 3 बजे पहुँचे थे लोग, हम लोग जो है गौरव की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, बट कोई नहीं, एट लास्ट हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और हम लोग मंदिर को उतारते, तो भाई लोगों ने बोला कि पहले रूम में बैठ के आराम कर लो, कपड़े को रख लूँगा, तो जाना 4:30 बजे आरती कभी आएंगे। तो यस्तु भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दर्शन कर लिए तुम लोगों ने तो? हाँ, रह गया जी, अंदर नहीं किए अभी दर्शन। अच्छा, अंदर अभी रुकने की व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था पहले पूरी कर लेते हैं। 6:30 बजे करीब आरती है, उसके बाद हम आरती में समय जाएंगे, ठीक हो गया, फिर 12 बजे करीब हम जाप करेंगे वहाँ बैठ के, जाप करेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे केदार घाटी, और हम लोगों ने लिया है एक सूजी का प्रसाद, और हम सूजी का प्रसाद कर रहे हैं इंजॉय किसके साथ, इसके साथ। और देखिए गाइस क्या व्यू है, और साथ में गर्मा गर्म सूजी और प्रसाद है, कोई भंडारा कराया था उसका प्रसाद है, आप इमेजिन कर सकते क्या ही मज़ा आ रहा होगा यार यहाँ पर खाने में। तो दोस्त लोग हमारे आगे बैठे हैं, तो वहाँ पर रुकते हैं इनके साथ में और खुद ही इंजॉय करते हैं।
तो गाइस फाइनली चल रही है केदारनाथ में आरती, और यहाँ पे बाबा जी लगे हुए हैं गिटार बजाने में। गाइस आप लोग लाइन चेक कर सकते हैं, लाइन आगे तक है पूरी, और केदारनाथ टेम्पल आप देख सकते हैं कितना दूर है, और करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो दर्शन होना अभी तो बड़ा मुश्किल है। सुबह हम लोग जल्दी 3-4 बजे उठ जाना पड़ेगा, इतनी पब्लिक है यार केदारनाथ में, मानना पड़ेगा। इतनी ठंड का महीना है, फिर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अभी हमको कलकत्ता, केरल, तेलंगाना और उड़ीसा कहाँ कहाँ के लोग मिले, उज्जैन, बहुत बहुत दूर के लोग आए हुए थे। हम लोगों ने कहीं की हेल्प भी करी, तो डिनर में करते हैं फिर सोते हैं, और फिर मिलूँगा आप लोगों से अगले दिन के जो दर्शन करेंगे अंदर भोलेनाथ के तब। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँचे एक होटल में खाना खाने के लिए, और हम लोग की थालियाँ लग रही वहाँ पर प्रिपेयर हो गई, और साथ में रोटी बनी भाई हैं यहाँ पर, बस भाई है और गौरव भाई है, साथ में गोविंद है, गौरव भाई शायद हम रोटी रहूँगी, एक और बंदा आने वाला हमारा, तो यहाँ पूरा फुल चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और गले की हालत बिल्कुल ख़राब है, लगता है इन्फेक्टेड हो गया है पूरा गला, तो नीचे जाके दवाई लूँगा, देखता हूँ यहाँ कुछ गार्गल के लिए मिल जाए। सो मिलते हैं आप लोगों से आगे, बना जाएगा ब्लॉग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेम एपिसोड ऑफ केदारनाथ ट्रिप। और कल दादी भाई जरा क्या हाल है, और सारे भाई लोग यहाँ पे जो है उसके रेडी हो चुके हैं, और ये वाला रूम लोग गया था, इसमें 18 लोग रुके थे हम लोग, और 17 थे। अब जिंदा झूठ देखो ये सिंगल है, ये सिंगल है, अभी तुमने बताया 105 किलो वजन, बस भाई चेक करे गाइस, ये चेक करे। सुबह के बज रहे अभी करीब 6, और आप लोग देख सकते हैं पीछे का व्यू है, और लाइन में आप लोग दिखाऊँ तो लाइन में जा रही है सीधे सीधे 1 किलोमीटर करीब है, 10 रुपये का एक रहे, वो बड़ा नोट दो ना खुले देगा, वो बड़ा नोट दो खुले देगा, खुलेगी दे रहा खुले, अंदर काम जाएंगे तो गाइस चेक कर सकते हैं आप लोग, क्या लंबी लाइन लगी हुई है, और देख पा रहे होंगे हम लोग अभी केदारनाथ बाबा के सामने, और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी हुई है, इसलिए हमने एक साथी को अपने पीछे लगवा दिया लाइन में, तो जैसे लाइन आती है तो हम लोग भी उसके साथ साथ में लग जाएंगे, बट अभी काफ़ी ठंड है, और हम लोग जो तो उतारे थे पीछे लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड होती, तो सामने का लगा देते हैं सामने से। ये वाला भी चेक करेगा, ये चेक करें गाइस, ये चेक करें, क्या मस्त मौसम हो रहा केदारनाथ का, भीड़ देख सकते हैं आप लोग, जहाँ जाते हैं नजर आ रही भीड़ भीड़ है, और कुछ दिनों में केदारनाथ धाम बंद होने वाले हैं, तो इस वजह से लोगों का ज़्यादा भीड़ उमड़ कर आ रही है, और कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। अंदर तो अभी नंबर नहीं आया, भाई लोग लगे नंबर पर, देखो कितनी देर में आता, फिर भी जो है काफ़ी अच्छा है, मुझे आप लोगों को चाय पीते हैं। ये चेक करें गाइस, ये चेक करें, क्या व्यू है यहाँ से हिमालय का, और हम लोग केदारनाथ मंदिर के जहाँ से हम लोग दर्शन करके आते हैं निकलते हैं वहाँ से वापस, और क्या व्यू आ रहा है, सामने मनीष भाई खड़े हैं, और मज़े आ गया। गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं भीमशिला पे, और कहा जाता है कि इसी भीमशिला की वजह से जो है केदारनाथ मंदिर की जो है आपदा के समय रक्षा करी थी, अभी देख सकते कितनी बड़ी शिला है ये, और इसके जस्ट पीछे आगे जो है केदारनाथ टेम्पल, अगर ये नहीं होती तो शायद जो है केदारनाथ को भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचता, बट आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके की शिला है, इतनी बड़ी शिला है, और इसने पूरा रक्षा करी हुई है अभी भी केदारनाथ धाम की, और इसके पीछे आदि शंकराचार्य का टेम्पल है, और ऊपर हिमालय का भी चेक करेगा,
और ये है केदारनाथ मंदिर की बैक साइड। चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ है और तभी काफ़ी ठंडा भी है यहाँ पर। ये चेक करेगा, ये चेक करे। तो गाइस फाइनली अब हम लोग केदारनाथ धाम के दर्शन तो कर लिए हैं और बट अंदर नहीं जाने दे रहे, बाहर हमको जो है जहाँ शिव जी के मेन कुबड़ है वहाँ तक नहीं जाने दिया, बाहर ही बाहर आउटसाइड एग्जिट करवा दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे भैरव बाबा के लिए और सामने आप लोग देख सकते हैं पूरा केदारनाथ धाम है ये, और यहाँ से आगे निकलते हैं और आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे ऊपर भैरव बाबा के और चल रहे भैरव बाबा। चेक कर रहे गाइस, ये हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा और सामने भैरव बाबा टेम्पल है और यहाँ से नीचे का केदारनाथ का बहुत ही प्यारा व्यू आता है। अभी हम लोग अब तक के जहाँ तक हम लोग पहुँचे सबसे हाईएस्ट पर आए हुए हैं और सामने भैरव बाबा मंदिर और यहाँ पर दर्शन करते हैं फिर चलते हैं सब और यहाँ से केदारनाथ का व्यू दिखाता आप लोगों को। यहाँ पर जो है भैरव बाबा को चढ़ाया था तेल, तो काफ़ी यहाँ पे हिस्ट्री हो रहा है, बहुत चिपकी सा फील हो रहा है। सो चलते आगे तेल भी चढ़ाते हैं और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचे थे भैरव बाबा करके केदारनाथ वापस और सामने चल रहा है एक भंडारा और भंडारे का लुत्फ उठाते हैं, प्रसाद लेते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने दर्शन दर्शन कर लिए और ऊपर से हम लोग भैरव बाबा करके भी आ चुके हैं और वापस हम लोग केदारनाथ ग्राउंड पे हैं अभी और जा रहे हैं वापस रूम पे, रूम चेकआउट करते हैं, अपना सामान वामान लेके आते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से वापस नीचे को, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, करीब 11 बजे है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे शाम को 4 बजे तक ऊपर और नीचे और तुझे गुनाया करके फिर कहीं कहीं रूम ले लेंगे, देखता आएगा किस तरह होता है, मिलता आप लोगों से आगे। ये चेक करें गाइस, ये चेक करें सामने और केदारनाथ, हमारे हाथ में केदारनाथ जी की डमी है और सो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से केदारनाथ धाम से और हम लोगों ने दर्शन दर्शन कर लिए थे, सारा बैग वैग रूम चेकआउट करके आ चुके हैं। सो भाई लोग निकल रहे हैं यहाँ से और चलते हैं वापस, हम लोगों ने करीब 4-5 घंटे लगे उनसे उतरने में, सो वो भी टाइम स्पेंड करना है और सामने देखिए मौसम पैक हो चुका, हो सकता है बारिश होगी तो मैं रेनकोट बाहर ही लेके चल रहा हूँ। सो चलते हैं यहाँ से आगे और मिलेंगे आप लोगों नीचे हेलीपैड पर, सारे लोग वहीं पर मिलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हेलीपैड पे और यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं अभी एक्चुअल में, क्योंकि हेलीपैड पूरा कवर हो चुका है जो बादलों से और पूरा मौसम पैक हो गया, कुछ पता नहीं लगा आएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे नहीं तो कल तो बहुत आगे तक विजिबिलिटी आ रही थी, आज कुछ भी नहीं विजिबल है और इस तरीके का कुछ माहौल है यहाँ का, पूरा केदारनाथ पैक हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। सो हम लोग जल्द से जल्द नीचे पहुँचते हैं और वहाँ पर हम लोगों ने तुझुग नारायण भी जाना है, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके और मिलते हैं आप लोग। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे घोड़ा बाबा से नीचे और यहाँ देखिए बर्फ़ पड़ना चालू हो गई है, रोहित भाई के कपड़ों में आप लोगों को देखने को मिलेगी काले कपड़ों में और हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी, मैं हाथ करता हूँ, हो सकता है हाथ में भी आ जाए कुछ, सो हाथ में नहीं आ रहा। और दीपू भाई आप भी देख सकते हैं सारे कपड़े भर चुके हैं बर्फ़ से, सो गाइस आप लोग चेक कर सकते हैं फाइनली हम लोगों के सामने हो रहा है स्नोफॉल और काफ़ी अच्छा वाला, ये भी नहीं नॉर्मल और बर्फ़ की बूंदें गिर रही हैं ऊपर से और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की बर्फ़ के साथ साथ में, जल्द से जल्द निकलते हैं नीचे और मिलते हैं आप लोगों को। चेक कर पा रहे होंगे आगे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें आग लगी हुई है सामने और कुछ आर्मी के जवान सामने भी खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, शायद लोगों को भी नुकसान हुआ हो और फिर से बच जाए और हेलीकॉप्टर भी बच जाए, तो देख सकते हैं कितना तगड़ा नुकसान हो गया, आग लग रही है उसमें अभी भी। सो यहाँ पर हो रहा है हैवी स्नोफॉल और हम लोगों में अभी करीब घोड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ से निकल रहे हैं आगे और सारे ग्रुप के मेम्बर्स हमारे यहीं पर रुके हुए और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँ। चेक दिस आउट गाइस, यार बहुत रिस्की जर्नी है केदारनाथ की, यार बर्फ जा रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उससे धुआं भी निकल रहा है और यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग फ्रॉम हियर सडनली। सो चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं आएगा क्या है हालात और हो सकता है मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए पहले निकल लेते हैं।